यह है हिलमा, एक प्यारी 4 साल की छोटी सी लड़की। हिलमा बहुत ही प्यारी और मासूम थी, लेकिन सभी बच्चे उससे नफरत करते थे और हमेशा उसके साथ झगड़े करते थे। हिलमा के पास कोई दोस्त नहीं थे। हिलमा के माता पिता और दादा दादी उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन हर बार हिलमा को दूसरे बच्चों की नफरत से कई मुश्किलें झेलनी पड़ती थीं। हर दिन हिलमा बच्चों की नफरत और उनके साथ झगड़े की शिकायत अपने अम्मी अब्बू से करती, लेकिन वे उसे समझाने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते थे। हिलमा हमेशा बहुत उदास और अकेली महसूस करती थी। वह रोज रात को अल्लाह से दुआ करती कि वह उसे दोस्त दे दें और उसे बच्चों के नफरत से आज़ादी मिले। एक दिन जब हिलमा पार्क में खेल रही थी, एक नई लड़की आई जिसका नाम आयशा था। आयशा ने हिलमा के पास आकर कहा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हिलमा बहुत खुश हुई और हाँ कह दी। उन्होंने एक दूसरे के साथ खेलना शुरू किया और जल्द ही वे अच्छे दोस्त बन गए। दिन रात हिलमा अब खुश थी, क्योंकि उसे अब दोस्त मिल गए थे जो उसे समझते थे और नफरत नहीं करते थे। वह अपने अम्मी अब्बू को यह बताने के लिए खुश हुई कि आयशा ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती कभी भी किसी के बचपन को खुशियों से भर सकती है, और हमें दूसरों के साथ मोहब्बत और समझदारी से बर्ताव करना चाहिए।